सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है मॉर्गन एंड किंग की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 7th edition वाली बुक। तो क्योंकि मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था, यानी कि मैंने 11th 12th में साइकोलॉजी नहीं की थी, मैंने काफ़ी सारी ऐसी बुक्स देखी जिसमें मुझे क्या नाम है इंट्रोडक्शन अच्छे से मिल सके, साइकोलॉजी का एक बेस बन सके। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर आपने 11th 12th में साइकोलॉजी नहीं की है अपने स्कूल में, तो मैं सजेशन दूंगा कि एक 11th ही साइकोलॉजी की बुक ले लीजिए एंड उसको थोड़ा बहुत पढ़िए, ताकि आप टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाएंगे। एंड अगर आप सोचते हैं कि टर्मिनोलॉजी से यार मैं थोड़ा सा पहले से ही रूबरू हो चुका हूँ, तो बिल्कुल ये एक जनरल साइकोलॉजी की बुक है। ऑल्दो मैं कहूँगा इसकी इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, इनफॉर्मल है, बट वॉट एवर इट इज़, अगर आप जनरल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं एंड समझना चाहते हैं, तो ये मैं कहूँगा एक ठीक बुक है जिससे शुरुआत करने के लिए। हालांकि फर्स्ट ऑप्शन मेरा वही 11th 12th की CBSE की साइकोलॉजी बुक्स रहेगा, NCERT वाली। एंड नहीं तो आप इग्नू का स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस बुक। तो इसमें अबाउट सम ऑथर्स के बारे में है, आप चाहे तो इनका पढ़िए। तो आप चैप्टर्स देख सकते हैं, व्हाट इज़ साइकोलॉजी लाइक, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, सेंसरी प्रोसेसेस एंड परसेप्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड लैंग्वेज, मोटिवेशन, इमोशन एंड स्ट्रेस, सोशल परसेप्शन, इन्फ्लुएंसेस एंड रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड्स, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग, पर्सनैलिटी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, थेरेपी फॉर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं कि अपने को ये सारी चीज़ें पढ़ के ना स्ट्रेस नहीं लेना। हमारा नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड है या साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, व्हाटएवर इट इज़, साइकोलॉजी बैकग्राउंड है तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी फैमिलियर होंगी, नहीं भी है तो अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है। क्यों भाई, अरे इट्स लाइक अ नॉवल, रीड इट लाइक अ नॉवल। अब साइकोलॉजी को कोई ऐसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो रटाफिकेशन में चले जाते हैं। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट दैट, लर्निंग इज नॉट अबाउट दैट, ओके। तो अपने को इसे एक नॉवल की तरह ट्रीट करना है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिससे आप फैमिलियर नहीं है, ट्रीट दैट बुक लाइक अ नॉवल, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनेगा एंड आप अच्छे से कर भी पाएंगे। अब क्या होता था, हम डेफिनेशन रटते थे, अपने को डेफिनेशन नहीं रटनी, अपने को समझने की कोशिश करनी है। ये जो बुक है इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है एंड यहाँ से जाने के बाद फिर वही जो है बोरिंग पार्ट स्टार्ट हो जाने वाले। बोरिंग पार्ट इसलिए बिकॉज ऑफकोर्स ये बुक है, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेगी, लेकिन मैं वहीं तक एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे आपको समझ आए कि ये बुक किस बारे में है एंड आपको ये परचेज करनी चाहिए कि नहीं। एंड मैं तो कहूँगा अगर बिल्कुल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते तो इन्वेस्ट कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। ये बुक 700-800 की मिलती है, आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट इतना वर्थ आपको देना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स दिस इंट्रोडक्शन टू आवर फील्ड विल टच ऑन अ वाइड अरे ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन व्हाट वी ह्यूमंस बीइंग्स डू, इट विल प्रेजेंट अ नंबर ऑफ मेजर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग ह्यूमन एक्शंस, such principles can give us a rational bias for understanding what we and other do. In a sense, this book is a record of how far we have come realizing the promise and hope of psychology, the rational understanding of human behavior. We, the author, also hope that this book will give the reader a sense of the limitations on what we know and an appreciation of the great distance yet to go in the accounting for why people do what they do. But by means of patient research, careful observation, imaginative hypothesizing and constructive self-criticism, psychology is gradually nearing the होप्ड फॉर गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा पढ़ने में और समझने में आपको मुश्किल लगा होगा, बट मैं कहूँगा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो लाइन दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़िए एंड आपको फिर
चीज़ समझ आने लगेगी। अ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रेंज इट मे सीम, डिफाइनिंग साइकोलॉजी इज नो ईजी मैटर बिकॉज ऑफ बोथ द वाइड स्कोप ऑफ इट्स कंसर्न्स एंड द फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस अमंग द प्रैक्टिशनर्स। अ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसमें तो हमने जान लिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। सीधा मैं इसमें बोलूँगा इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कोई पूछे ना कि साइकोलॉजी क्या है, तो मैं बोलूँगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑल दो इसमें हल्का वेरिएशन डालना है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड ये भी बोल सकते हो, बट मोटा मोटा अगर कोई मुझे पूछे ना व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो मैं कहूँगा साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बट चलिए एक अब ये डेफिनेशन जो है ये थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, डेफिनेशन वाला पार्ट, बिकॉज काफ़ी हो सकता है इंटरेस्टिंग हो एंड थोड़ा सा क्लियर करने में आपकी हेल्प करें। स्ट्रेंज एज इट मे सीम, डिफाइनिंग साइकोलॉजी इज नो ईजी मैटर बिकॉज ऑफ बोथ द वाइड स्कोप ऑफ इट्स कंसर्न्स एंड द फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस अमंग इट्स प्रैक्टिशनर्स। ओके, तो इसका क्या मतलब है, तो साइकोलॉजी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिशनर हैं साइकोलॉजी के, यानी कि जो समझ लीजिए साइकोलॉजी के पंडित जो हैं, साइकोलॉजी के स्कॉलर्स जो हैं, या स्कॉलर्स भी कहें या प्रैक्टिशनर कह लें, उनका सब कुछ अलग नज़रिया होता है ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ माइंड को लेके। तो फिलोसफिकल डिफरेंसेस कैसे, ये थोड़ा सा डेप्थ में, ये थोड़ा सा आप जितना पढ़ेंगे उतना डीप में आपको समझ आता रहेगा। बट इफ़ यू आस्क अ साइकोलॉजिस्ट टू डिफाइन द वर्ड, द चांसेस आर गुड दैट यू विल बी टोल्ड समथिंग लाइक साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ऑफकोर्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन इसमें हमने क्या सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर ही साइकोलॉजी है, बट नहीं, इसको थोड़ा सा हम उसका दायरा हम थोड़ा सा चौड़ा करते हुए देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इंटरेस्टिंग, तो उसमें ह्यूमन एंड एनिमल को हमने रखा है साइकोलॉजी की स्टडी में। इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कॉल साइकोलॉजी अ साइंस। ओके, साइकोलॉजी इज अ साइंस, वट डज दिस मीन? द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू लाइफ प्रॉब्लम। कैन साइकोलॉजी हेल्प सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। ठीक है, अब बंदा किसी चीज़ की पढ़ाई किस लिए करता है, किसी चीज़ की समझ किस लिए बढ़ाता है, कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हेल्प करें। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, कैन साइकोलॉजी हेल्प सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम? ठीक है, यू मे ऑल्सो वंडर अबाउट द वर्ड बिहेवियर इन द डेफिनेशन। वाई बिहेवियर रादर देन माइंड और थाट्स और फीलिंग्स? ओके, ये वही बात है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर क्यों, वही मैंने बोला ना, स्टडी ऑफ माइंड क्यों नहीं, वाई बिहेवियर? अनदर क्वेश्चन विच मे अकर टू यू इज वेदर साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। आर देयर अदर्स? सपोज वी लुक एट ईच ऑफ दीज क्वेश्चन, बिगनिंग फर्स्ट विद द वन अबाउट साइंस। ओके, सो ऑफकोर्स मुझे लगता है डेफिनेशन के ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, लाइक एक तरीके से क्यूरियोसिटी जगाने के लिए क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए गए हैं, एंड यहाँ आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। साइकोलॉजी एज अ साइंस, द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, एंड व्हाट इट मीन्स टू से साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नॉट जस्ट फॉर साइकोलॉजिस्ट। ये इंटरेस्टिंग है, एंड फिर यहाँ आगे आपका जो है अगला टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफर साइड पे है, बट होपफुली आपको समझ आएगा कि ये बुक जो है ये किस डायरेक्शन में आपको ले जा रही है। एंड ऑफकोर्स इतनी मोटी बुक है तो ये क्वेश्चन भी पूछती है एंड उनका आंसर भी देती है। मैंने एक्चुअली इसका पहला चैप्टर पढ़ रखा है, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे ये जो है साइकोलॉजी एज अ साइंस द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। ऑल्दो ये व्हाट इट मींस टू से साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, ये मुझे लगता है आपको दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए कि इसका क्या मतलब है। बट ओवरऑल बुक की मैं बात करूँ तो मैं अभी इसको पढ़ता रहता हूँ एंड इसको अभी पढ़ रहा हूँ, एंड बिल्कुल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं।
तब तक के लिए खुश रहिए, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ना तो पढ़िए, वरना एंजॉय कीजिए लाइफ को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।